हेलो, वेलकम टू अनीताज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सावन की एक मिठाई, जो कि इन्हीं मौसम में मिलती है। एक घेवर और दूसरी अंदर से की गोली। घेवर की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, आप उसमें से देख सकती हैं। घेवर तो अक्सर सब दुकान पे मिल सकता है, लेकिन जो अंदर से की गोली है वो सिर्फ आपको पुरानी दिल्ली में ही मिलेगी, यहाँ ज़्यादा नहीं मिलती है। इसलिए इसकी रेसिपी मैं डाल रही हूँ ताकि आप भी बना के इसका आनंद ले सकें। सबसे पहले मैं रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जिस जो मेरे चैनल पे नया है वो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए, बहुत कम चीज़ों से बनती है। देखते ही मैंने क्या लिए, चावल का आटा है, इसकी रेसिपी मैं आपको बता दूंगी। ये है बूरा, मैंने थोड़ी सी कम ली है, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। ये है तिल, और ये 250 ml से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ये दूध लिया है। सबसे पहले हम ये दूध चढ़ा देते हैं। सबसे पहले हम दूध को बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसे एक बॉईल हम आने देंगे, फ्लेम को हम हाई कर देते हैं और इसको हम बॉईल आने तक रखते हैं। बताऊँ मैं चावल मैंने कैसे बनाए। बाजार में वैसे मिल जाता है इजीली, पर आप घर पे इसको बना लीजिएगा। मैंने 1-1.5 घंटा चावल कोई भी आप ले सकते हैं। नॉर्मली मैंने इसको भिगो के रख दिया था, उसके बाद मैंने इसे छन्नी में छान लिया और मैंने 7-8 घंटे के लिए सूती कपड़े पे भी डाल दिया था इसको। और ये देखिए कितना बारीक इसको मैंने पीसा है। ये आप बना के रख सकते हैं, बहुत टाइम तक ये चल सकता है। एयर टाइट कंटेनर में आप डाल सकते हैं या आप अपनी रेसिपी पे डाल सकते हैं। टिक्की आप बनाओ या पकौड़े बनाओ या फिरनी है या अंदर से गोली है, किसी भी रेसिपी में आप इससे बहुत क्रिस्प बनते हैं पकौड़े वगैरह, और ये बनाकर आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। देखिए दूध में बॉयल आ गया है, अब हम इसमें ये बूरा डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। आप शुगर भी डाल सकते हैं इसके साथ साथ, ये मैंने बूरा ली है। बस इसको थोड़ा सा एक बार और बॉयल आने देंगे। देखिए बॉयल आ गया, हम धीरे धीरे इसमें चावल का आटा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, बहुत ध्यान से इसको थोड़ा थोड़ा करके आप डालते जाइए और इसको मिलाते जाइए। बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको इसको, और गैस को मैंने मीडियम कर दिया इस समय। देखिए जल्दी जल्दी हम मिलाते जाएंगे इसको। देखिए साइड में ले जाके इसको अच्छे से इसके लम्स इसको खत्म कर देने हैं आपको। गाढ़ा हो जाएगा जब तक इसको आपने ऐसे ही हिलाते जाना है। देखिए कितना गाढ़ा हो गया, अभी हमें और करना है। अगर लम्स पड़े तो इस तरीके से इसको तोड़ देने हैं आपको। देखिए लगातार चलाते जाएंगे तो बिल्कुल लम्स नहीं पड़ेंगे। थोड़े से तिल हम अभी ऐड कर देते हैं इसमें ताकि अच्छा टेस्ट आए, और इसको जब तक पकाना है जब तक ये इकट्ठा ना हो जाए। अभी 5 मिनट में और करूँगी इसको, बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा ये और ये तली छोड़ने लगेगा कढ़ाई में, एक साथ इकट्ठा हो जाएगा ये। देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया और इसने कढ़ाई भी देखो बिल्कुल साफ हो गया, तली छोड़ दिया। अब हम गैस को करते हैं ऑफ और इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े से तिल और ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा तिल का ही आता है। और इसको हम अच्छे से एक बार ही फिर गूंद लेते हैं इसको इस तरीके से, सारे तिल इसमें मिक्स हो जाएं ताकि अच्छे से। देखिए अब हम इसको 4 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से, और इसको इस तरीके से थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं ताकि रफली हमने करना है। आप अगर बिल्कुल राउंड शेप देना चाहते हैं तो वो आप दे ऐसे दे सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से जल्दी जल्दी तोड़ते जाएंगे और इसमें तिल में हम डालते जाएंगे। रफली हमने इसकी शेप लेनी है इस तरीके से, ये देखिए जितने तिल ज़्यादा लगे होंगे उतना ही इसका स्वाद आएगा। इस तरीके से हम चारों तरफ इसके कोट कर देंगे तिल को बहुत अच्छे से, और सारी बना के हम ऐसे ही रख लेंगे। फटाफट हम तोड़ते जाएंगे ऐसे ही।
सारे आटे की हम ऐसे ही बना के रख देंगे। शेप आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बड़ी या छोटी कर सकते हैं। देखिए मैंने सारी बना के रख दी हैं, तिल अच्छे से कोट कर दिए हैं। हम जितने और बचे हुए हैं इसको और अच्छे से कोट कर लेंगे। ये मैं रफली वाली, मैं तीन स्टाइल से आपको बनाना सिखाऊंगी। ये रफली है, इधर तेल मेरा गर्म हो गया। चलिए चेक करते हैं, बिल्कुल इसको हाई नहीं करना, अभी मीडियम है। उसके बाद हम स्लो कर देंगे। अगर हम एक साथ ज़्यादा डाल रहे हैं तो हम थोड़ा मीडियम ही रखेंगे। देखिए ये रफली हैं जिसको मैंने राउंड शेप नहीं दी है, बाज़ार में इसी तरीके से मिलती हैं। और ये मैं थोड़ी सी, देखिए बिल्कुल राउंड शेप में डालने जा रही हूँ। ये इसकी मैंने शेप बना ली है, बहुत इजीली शेप बन जाएगी इसकी। और तेल मैंने अभी थोड़ा ही रखा है क्योंकि थोड़ा सा मीठा हो जाता है, क्योंकि हम मीठी चीज़ बना रहे हैं इसलिए हम इसका ध्यान रखेंगे कि फिर मीठी चीज़ में ही हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए राउंड शेप में भी डल गई, रफ शेप में भी डल गई है, और ये मैंने एक चपटा ये भी कर दिया। ये भी शेप बहुत इजीली बन जाएगी, इस शेप में भी अंदर से की गोलियां मिलती हैं। देखिए तीनों शेप मैंने आपको बता दिए, आप चाहें जिस भी शेप में इसको बना सकते हैं, और जितनी एक बार में आ जाए उतनी आप डाल सकते हैं। गैस मेरी स्लो ही है, ज़्यादा हाई नहीं है। देखिए ब्राउन हो चुकी है, हम इसको निकाल लेते हैं। जो जो ब्राउन सिकती जा रही है उसको हम थोड़ा टेढ़ा करके एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे हम। और थोड़ा आपको और ज़्यादा सेकना है तो आप और थोड़ा सेक सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे ही ठीक है। देखिए तिल कितने सारे लगे हैं इसमें, खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब हम और बाकी की भी बना लेते हैं जितनी ये बची हैं। पहले थोड़ा सा आप हाई रखना, मीडियम हाई, और उसके बाद स्लो कर देना 5 मिनट के बाद। देखिए इसको सीखने में 8 से 10 मिनट लगते हैं। देखिए ये बैच भी बनकर हमारा रेडी हो गया है अच्छे से ही। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इस पर। अब हम इसको निकाल लेते हैं और गैस को करते हैं हम ऑफ। देखिए देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। देखिए कितनी अच्छी अंदर से की गोली बनी है। इसको देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट है और बाहर से बहुत ही क्रिस्प है। इसको आप काफ़ी दिन तक रख सकते हैं और इन्जॉय करिए सावन का, क्योंकि ये हर सीज़न में आपको मिल नहीं सकता और हर एक शॉप पे आपको मिल नहीं सकती। इसलिए घर में बना के इसको इन्जॉय करिए और सावन का मज़ा लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।